यह कहानी है लारा कुब्रेला की, जिसको लिखा है कैथरीन हॉल्सहाउसन, मार्था इवेंस और नदीम क्रियल ने। लारा एक विशेष कुब्रेला थी। उसके सभी दोस्तों से बिल्कुल अलग। उसके पंख सुनहरे थे। सभी को उसके सुनहरे पंख बहुत पसंद। रोज सुबह बीबी तितली उसे नमस्ते करती थी और मिट्टू टिड्डा उसको देखकर हाथ हिलाता था। यहां तक कि लटकू नामक आलसी मकड़ी भी उसे देखकर खुश हो जाती थी। स्कूल में वह बहुत सारे दोस्तों के साथ खेलती थी। काश मेरे पंख भी आपकी तरह लाल होते। तो एक दिन खुश करने के लिए माँ ने उसके पंखों को लाल रंग से रंग दिया। अगली सुबह लारा को स्कूल जाते समय किसी ने भी नमस्ते नहीं किया और जब वह स्कूल पहुंची तो किसी भी दोस्त ने उसे हेलो नहीं किया। लारा बिल्कुल अकेली बैठी रही। किसी ने उसके नए लाल पंखों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिरकार मिया दीदी ने उसे देखा और कहा, रे लारा, तूने अपने सुंदर सुनहरे पंखों को रंग दिया। लारा के सभी सहपाठी हैरान रह गए। तुम्हारे पंख अनूठे हैं, सबसे अलग, बहुत अनोखे, बहुत दुर्लभ। मिया दीदी बोली, लारा, तुम्हारे सुनहरे पंख ही तुम्हारी पहचान है, जैसे सीफों का बड़ा बिंदु और सैली की लंबी टांगे। घर लौटकर लारा ने बहुत देर तक नहाया। अब पंखों को रही तब तक उसके सुनहरे पंख भगमगा न उठे। मैं अब कभी भी अपने पंखों को नहीं रंगूंगी, उसने सोचा। शायद एकाध बार छोड़ कर। थोड़ा सा बैंगनी या फिर कोई अच्छा सा रंग, हमेशा के लिए नहीं और सिर्फ भी कभी मजे के लिए।